हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बायोटिक का फेस टोनर का रिव्यू, और इसे कैसे यूज़ करना है, इसे क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों हमारी स्किन के लिए टोनर ज़रूरी होता है। तो ये सभी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, हो सकता है आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर दें। तो चलिए आगे देखते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि टोनर क्यों ज़रूरी होता है। तो देखिए, जब भी आप अपनी स्किन की केयर नहीं करते हैं ना सही ढंग से, अगर हम ना करें तो हमें यहाँ पर नोज़ एरिया के पास, यू नो, गाल के आसपास यहाँ पर हमें ओपन पोर्स हो जाते हैं, जैसे कि जिसे खुले रोमचित्र कहा जाता है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी स्किन की तरफ जो है थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पर ओपन पोर्स की। बट अभी काफ़ी ठीक हो गई है जब से मैंने इस टोनर को यूज़ किया है। तो देखा, मैंने आपको रीज़न बताया कि ओपन पोर्स को क्लोज़ करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए हमें फेस टोनर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो जाती है, और अपनी स्किन की केयर तो हमें करना ही चाहिए ऑफकोर्स। तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ बायोटिक एडवांस्ड आयुर्वेदा टोनर की। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसे ऑनलाइन परचेज़ किया है, और इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए इस बात करते हैं इसकी बायोटिक टोनर की पैकेजिंग की। तो ये आता है कुछ इस तरह से, नाइसली पैक होकर आया था कार्डबोर्ड पैकेजिंग में, और चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये ओपन करने के बाद इस तरह से दिखता है, प्लास्टिक बॉटल में ये आता है। और बायोटिक एडवांस्ड आयुर्वेदा हनी वाटर पोर टाइटनिंग टोनर विद हिमालयन वाटर्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स। और जिन जिन चीज़ों से ये बना हुआ है, ये सभी चीज़ें इस पर मेंशन की हुई हैं, आप देख सकते हैं। बायो हनी वाटर, दिस लाइटनिंग टोनर इज ब्लेंडेड विद प्योर हनी, एलोवेरा, मंजिष्ठा, कैरेट एंड द फ्रेश वाटर फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, रिफ्रेशिस, टोन्स द, ब्राइटन्स द कॉम्प्लेक्शन, ब्रिंग स्किन इन टू परफेक्ट पीएच बैलेंस। और आपकी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। तो चलिए इसकी लिड ओपन करते हैं। ये इसकी लिड जो ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है, और आप इसे ईजिली, यू नो, कॉटन पैड पे लेकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी करने जा रही हूँ। और इसे ये काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है, मैं ये तो नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि जब आप इसे, यू नो, ऐसे करते हैं तो शायद ही कहीं बाहर ना जाए, बट ये ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा था, बट ये ऐसा नहीं है, आप इसे ईजिली कैरी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की। जैसे कि रोज़ वाटर होता है, कुछ इस टाइप से इसमें है, रोज़ वाटर की स्मेल होती है जैसा। तो इसकी खुशबू भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है, क्योंकि काफ़ी जो टोनर्स होते हैं उनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और ये सभी चीज़ें इस बॉटल के ऊपर मेंशन की हुई हैं, और ये इसका प्राइस है 175 रुपीज़, ये देखिए। और बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल जाता है ऑनलाइन, यू नो, आप जानते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स चलते रहते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं जहाँ पे आपको आपके अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाए, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मुझे भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर मिल गया था, तो मुझे प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा लगा है, पैकेजिंग बहुत अच्छी है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। और मुझे इसकी सबसे खास बात ये लगी है गाइस, कि मैंने इसे 2 से 3 बार ही अप्लाई किया है, और 2 से 3 बार में ही इसने मेरे ओपन पोर्स को काफ़ी मिनिमाइज़ कर दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं ना, तो यू नो, 2-4 मिनट तक आपके आसपास ऐसी खुशबू रहती है जैसे आपने परफ्यूम लगाया हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और एक खास बात इस टोनर की ये है कि जब भी आप इसे इस्तेमाल करते हैं ना, तो काफ़ी देर तक आपकी स्किन जो है सॉफ्ट स्मूथ बन जाती है, बहुत अच्छा ग्लो भी आपके फेस पर ये लेके आता है टोनर। तो इसे प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है ये बायोटिक का फेस टोनर। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा गाइस, कि आपने जब भी इसे इस्तेमाल करें तो अपने फेस पर कोई भी मेकअप ना लगाएं, अपने फेस पर मेकअप लगाने के बाद इसे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश करने के बाद ही आपने टोनर को इस्तेमाल करना है, उसके बाद आप अपना सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर वगैरह जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो देखा आपने गाइस, क्योंकि टोनर हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसे आप डेली इस्तेमाल करना होता है आपने, जब भी आप फेस को वॉश करते हैं। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि इसे कैसे यूज़ करना है। तो ये देखिए, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है अच्छे से, सारा मेकअप भी मैंने रिमूव कर लिया है, ये देखिए। और अब आपने लेनी है एक कॉटन बॉल लेकर, इस पर थोड़ा सा टोनर लगा लीजिए, और स्पेशली जहाँ पर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वहाँ आपने सबसे पहले लगाना है, अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, बहुत ही काम करता है, आपकी स्किन को सूट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एंड में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि इसे मेल्स और फीमेल्स दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में। बस आप इसे इस तरह से लगा लीजिए।
तो देखा आपने कितना इजी था इसे इस्तेमाल करना, और बस अब आपने इसे ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आप अपने फेस पर कोई भी अपना मनपसंद लोशन या मॉइस्चराइजर जो भी आप लगाना चाहते हैं या फिर सनस्क्रीन लोशन वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखा गाइज आपने कितना इजी था इस टोनर को इस्तेमाल करना और क्यों ज़रूरी होता है टोनर को इस्तेमाल करना। तो आई होप कि आपके लिए आज की मेरी वीडियो हेल्पफुल रही हो, और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और गाइज मुझे कमेंट में ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।